दोस्तों अभी शाहिद आलम साहब हमें उस जगह पे ले जा रहे हैं जहाँ पे सुल्तान की फैमिली को सबसे पहले कलकत्ता में लाके जहाँ पे रखा गया था, अंग्रेज़ों ने जहाँ पे सुल्तान की फैमिली को रखा था ना, उस जगह पे ले जा रहे हैं एक्चुअली। अरे वाह शाहिद आलम साहब, यहाँ पे ट्रैम चलती है क्या? हाँ ट्रैम चलती है। तो यहाँ ट्रैम से मैं वापस जा सकता हूँ ना रूम पे? नहीं वो बहुत घूम के जाएगा ट्रैम। परवाह नहीं, ट्रैम आपको बहुत घूम के जाएगा। आप मेट्रो में चले जाएंगे क्या? मेट्रो हाँ मेट्रो में भी जा सकता हूँ, लेकिन पता नहीं, एड्रेस नहीं पता चलता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, चला जाऊँगा। अच्छा ये है टॉली क्लब, ओके मेंबर्स एंड गेस्ट ओनली, ओके टॉलीगंज क्लब लिमिटेड, ये हमारे वक्फ स्टेट के अंदर में है। अच्छा ये वक्फ स्टेट के अंदर में है जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। जब नया कमेटी हम लोग का बना था ना 2002 पे जी जी, उस वक्त ये सिर्फ 608 रुपया किराया देते थे। अरे वाह। फिर मैंने इसको चैलेंज किया, ओके ये ऐसा कम भाड़ा पे नहीं होगा, तो बहुत सारा वो एग्रीमेंट का टर्म्स इन लोग वायलेट किए थे, ओके उस हिसाब से मैंने 2.5 करोड़ का क्लेम लगा दिए थे क्लब के ऊपर। हाँ हाँ। तो फिर उस दरमियान कोर्ट पे कुछ डिस्प्यूट हुआ था वो फिर आसिफ अली शाह के साथ, ओके तब जाकर कोर्ट ने क्लब को बुलाकर इसके किराया उस वक्त 1 लाख रुपया कर दिए थे। अच्छा जो भी हो उस वक्त भाड़ा 600 से 1 लाख कर दिए, और उसके बाद फिर हर 3 साल पे 12% एनहांसमेंट का प्रोविजन रख दिए थे माशाल्लाह। वो 2007 पे फिर नया एग्रीमेंट बना, वो अभी 1,50,000 से 60,000 ऐसा किराया हुआ बढ़कर। अभी हर 3 साल में बढ़ेगा, तो बढ़ते बढ़ते अभी बहुत हो जाएगा। उसके बाद फिर ये एक एट ए टाइम डोनेशन भी 38 लाख रुपया देने का इजाज़त दिए थे। अच्छा ये है क्लब, यहीं पे लाके रखे थे क्या सर? ये क्लब, हाँ ये क्लब। तो दोस्तों इस सुल्तान की फैमिली को जब कलकत्ता लाए थे अंग्रेज तो यहीं पे लाके रखे थे सबसे पहले, देख लो। टॉलीगंज क्लब है ये, और अंदर में तो जाने का पता नहीं। अभी तो ये गए एक क्लब की तरह यूज हो रहा है, इसके अंदर बहुत सारे विजिटर्स भी हैं तो अंदर जाके वीडियो लेना सही नहीं होगा, लेकिन बाहर से देख लीजिए। सुल्तान की फैमिली को जब सबसे पहले कलकत्ता लाया गया, पूरी फैमिली को, सारे प्रिंस फतेह हैदर साहब सारे सबको यहाँ पे लाके अंग्रेज़ों ने कैद किया था और नज़रबंद किया था यहाँ पे। अभी यहाँ देखिए गोल्फ कोर्स है, ये देखो ब्यूटीफुल एकदम गार्डन्स बने हुए हैं अंदर में, लेकिन एक ज़माने में एक तरफ में घोड़ों को खड़ाने के लिए नगरखाने होते थे, और साथ ही साथ ये एकदम ब्रिटिश आर्किटेक्चर में बनाई गई बिल्डिंग है, आप देख सकते हो उस जमाने का बिल्डिंग। हाँ एकदम पुराने ज़माने का बिल्डिंग है। अभी तो हमारा तिरंगा लहरा रहा है ऊपर में, लेकिन उस दौर में यूनियन जैक फ्लैग यानी कि ब्रिटिश का झंडा लगता होगा उस ज़माने में, और बड़े बड़ी खिड़कियाँ एंड ऑल। चलिए चलते हैं, चलें। देखिए ये जगहें अभी भी मौजूद हैं लेकिन चेंज हो चुकी हैं। इसके लिए मैं सिर्फ आपको बाहर से दिखा सकता हूं और बाहर से उस स्ट्रक्चर को दिखा सकता हूं। अच्छा देखिए ये भी पुरानी इमारत है, पुरानी बिल्डिंग्स, अभी तो ये शोरूम बन चुका है पूरा, लेकिन एक ज़माने में यहां पे अंग्रेज़ों के क्वार्टर्स भी हुआ करते थे, बहुत सारे अंग्रेज़ भी रहते थे यहां पे। ब्रिटिश ने गिफ्ट किया था ये जगह। अच्छा
देख रहे हो बहुत बड़ा क्लब है ये, और ये पूरी जगह प्रिंस गुलाम मोहम्मद वक्फ एस्टेट के अंडर में आती है माशाल्लाह। गोल्फ नेट है ये दोस्तों। हज़रत टीपू सुल्तान की शहादत के बाद सुल्तान की पूरी फैमिली को अंग्रेज़ों ने वेल्लोर फोर्ट के अंदर कैद कर रखा था, और फिर जब वहाँ पर वेल्लोर फोर्ट के अंदर एक वेल्लोर म्यूटिनी हुई थी जिसमें सुल्तान के चाहने वालों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत करते हुए अंग्रेज़ों की इस हुकूमत को गिराने की कोशिश की थी दोस्तों, उस वाक़े के बाद सुल्तान की पूरी फैमिली को अंग्रेज़ों ने कलकत्ता में लाकर कैद करने का फ़ैसला किया था। और जब सुल्तान की फैमिली में से लगभग 52 लोगों को, जिसमें सुल्तान के सारे शहजादे और फतेह हैदर साहब, उनकी फैमिलीज़, उनके बच्चे वगैरह सभी लोगों को अंग्रेज़ यहाँ कलकत्ता में लाए, तो अंग्रेज़ों ने यहाँ सबसे पहले सुल्तान की फैमिली वालों को यहीं पर रखे थे दोस्तों। कहा जाता है कि ये जगह जॉनसन फैमिली के निगरानी में हुआ करती थी, और सुल्तान की फैमिली को यहाँ पर ही नज़रबंद किया गया था। और फिर कुछ अरसे के बाद सुल्तान की फैमिली के अलग अलग शहजादों ने अपनी अलग अलग जगहें खरीद कर अलग अलग जगहों पर जाकर वो लोग बसने लगे दोस्तों। उस दौर में यहाँ पर ज़्यादा आबादी नहीं हुआ करती थी, क्योंकि कलकत्ता के सिटी से भी थोड़ा आउटस्कर्ट्स के पास ये इलाका पड़ता था उस दौर में, और साथ ही साथ अंग्रेज़ यहाँ पर कलकत्ता के अंदर पूरी तरह से वो लोग काबिज हो चुके थे, तो अंग्रेज़ों की यहाँ बंगाल के ऊपर बहुत अच्छी पकड़ थी, इसीलिए उन लोगों ने सुल्तान की फैमिली को लाकर यहाँ पर बसाने की कोशिश की थी दोस्तों। सुल्तान के शहजादे यहाँ पर नज़रबंद थे, यानी कि वो लोग कहीं बाहर जा नहीं सकते थे, वो लोग किसी से कांटेक्ट नहीं कर सकते थे, वो लोग किसी भी तरह के फंक्शन अटेंड नहीं कर सकते थे, यहाँ तक कि वो लोग यहाँ खुद के बंगाल के लोगों से भी इंटरेक्ट करने के ऊपर उन लोगों के ऊपर पाबंदियाँ थी दोस्तों। लेकिन वक्त बीतता रहा और कई शहजादों ने अपने लिए अपनी एक अलग ही ज़िंदगी बनाई, उन लोगों ने बहुत सारे अच्छे काम भी किए हैं दोस्तों। मैं आने वाली वीडियोस में उन सारी चीज़ों को आप लोगों तक लाने की कोशिश ज़रूर करूंगा, और आज की वीडियो में बस इतना ही। चलो अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।